जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अजा एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैष्णव समाज के लिए एकादशी की तिथि किसी उत्सव से कम नहीं होती। इस दिन साधक भगवान विष्णु के निमित्त व्रत उपवास भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि पर व्रत उपवास रख भगवान श्रीहरि विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से आय, आयु, सुख और सौभाग्य में मन मुताबिक वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। अगर आप ही भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो अजा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। आइए अजा एकादशी की तिथि, उसका शुभ मुहूर्त और उसकी पूजा विधि जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी मनाई जाती है। इस बार एकादशी तिथि 9 सितंबर को रात 9:17 पर शुरू होकर अगले दिन 10 सितंबर को रात 9:28 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए 10 सितंबर को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसके पारण का समय 11 सितंबर को प्रातःकाल 6:15 से लेकर 9:42 पर होगा। अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बताऊंगी। अजा एकादशी तिथि पर ब्रह्मा बेला में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद दैनिक कार्यों से निर्वृत होकर गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। तदुपरांत भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। इसके लिए पूजा गृह में एक चौकी पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब षोडोपचार पर पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप आदि चीज़ों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय भगवान विष्णु चालीसा का पाठ करें, साथ ही विष्णु स्त्रोत का पाठ और मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें, संध्या काल में आरती कर फलाहार करें, रात्रि में जागरण कर कीर्तन भजन करें, अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।